वेलकम बैक टू के ऑनलाइन पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की नई भर्ती जिला बाल संरक्षण इकाई के बारे में। आवेदन इसका स्टार्ट हो चुका है, नोटिफिकेशन भी आ गया है। पोस्ट कौन कौन से रहेगा, तो चौकीदार, नर्स जैसे और भी कई पोस्ट यहां पर रखे गए हैं। तो इसकी क्या योग्यता रहेगी, आपको आवेदन कैसे करना है और ये वैकेंसी बिहार के किस जिले की तरफ से निकल के आ रही है, सारी डिटेल आपको बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपली सबसे पहले आपको गूगल में akeonlinepoint.com टाइप कर लेना है और वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, आप लेटेस्ट जॉब में आएंगे। यहाँ पर बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई वैकेंसी 2022 से रिलेटेड आर्टिकल देखने को मिलेगा। आप इस आर्टिकल को ओपन कर लेंगे, वैकेंसी से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप रीड कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, और आप इम्पॉर्टेंट सेक्शन में आएंगे, इम्पॉर्टेंट लिंक सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। 11 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की जा रही है। इसका जो है आवेदन ऑफलाइन लिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आवेदन करने के लिए सिंपली हम आपको सारी डिटेल बताने वाले हैं कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर 2/9/2022 से स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट है 21/9/2022 शाम 5 बजे तक रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी जारी की गई, जैसे कि मैनेजर का है, कोऑर्डिनेटर की एक वैकेंसी है। एज लिमिट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सैलरी यहाँ पर 17,500 रुपये रखी गई। उसी तरह से सोशल वर्कर, अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर का देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे एक पोस्ट है, ठीक है, सैलरी इनकी 14,000 रुपये है। नर्स का आप देख पा रहे हैं एक पोस्ट है, सैलरी इनकी क्या है कि 9,000 रुपये है, 45 वर्ष रखा गया है 21 से, ठीक है। अब आगे आएंगे यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं डॉक्टर का यहाँ पर रखा गया है, एक पोस्ट है डॉक्टर का, सैलरी इनकी 7,500 रुपये है। फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आए EBC की एक है, BC की एक है, SC की एक है। टोटल 20 से 25 वर्ष के अंदर आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी सैलरी देख पा रहे हैं बताई गई है। चौकीदार का आप देख पा रहे हैं जनरल की 3 है, EBC की एक है, BC की एक है, SC की एक है। एज लिमिट 20 से 45 वर्ष, सैलरी यहाँ पर 6,000 रुपये रखी गई। इस तरह से टोटल 11 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क यानी सोशलॉजी या साइकोलॉजी, लॉ या फिर अनदर सोशल साइंस से होना चाहिए, ग्रेजुएट भी डिप्लोमा हो, ठीक है। इसी तरह से आप नर्स का देख पा रहे हैं, 12th पास होना चाहिए या मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप बिहार के किसी भी ज़िले से आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आओगे, आया के लिए देख पा रहे हैं अ पर्सन विद फंसली लिटरेसी यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। चौकीदार के लिए भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, अगर आपके पास अनुभव है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बाकी जिनका जाति प्रमाण पत्र वगैरह लगता है वो आप लगाएंगे। स्वपता लिफाफे पे आपको डाक टिकट लगाना है। आप बाई पोस्ट डाक टिकट और साथ में आप क्या है कि हाथों हाथ भी भेज सकते हैं, ठीक है। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से आपको फिल कर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज मांगे गए हैं वो आपको लगाना है, साथ में उसको क्या है कि दिए गए एड्रेस पे भेज देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एड्रेस दिया गया, इस एड्रेस पर आप हाथों हाथ या फिर डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रहा इसका एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, साथ में आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन से जुड़ी और कंप्यूटर क्षेत्र में भी ज्ञान है वो भी आप दे सकते हैं। आपको वेटेज मिलेगा सिलेक्शन में, डायरेक्ट आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। देखिए लिफाफे के ऊपर आपको ये लिखना है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान सुपौल में चयन हेतु आवेदन। उसके बाद आवेदित पद यानी किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं ये मोटे अक्षरों में आपको लिखना है। उसके बाद फिर आपको भेज देना है, किस पते पे भेजना है। तो यहाँ पर आपको आवेदन का पता भी दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हाथों हाथ या जिला गोपनीय शाखा कमरा नंबर इतना प्रथम तल समरालय सुपौल पिन कोड इतना बिहार पर समर्पित करेंगे। आप हाथों हाथ दे देंगे तो अच्छी बात है, स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से भी आप दिए गए पते पर भेज सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय।